मियां बीवी जो जिंसी अमल करते हैं खालिस लज्जत के लिए करते हैं, जिंसी लज्जत हासिल करने के लिए, शहवत के तकाजे को पूरा करने के लिए, बगैर तो इसमें इबादत का कोई भी दर्जा नहीं है, तो हाजिर खालिस लज्जत ही के लिए है। लेकिन फरमाया कि ये भी सदका है। अब बताओ कितना आसान कर दिया दीन को, लजीज तरीन अमल को भी अल्लाह ताला ने सदका बना दिया। शर्त ये कि जायज तरीके से हो, बीवी के साथ हो, आराम आराम से बचे। तो सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ और पूछा कि या रसूल अल्लाह अयाती अहदुना शहवतहु वयकूनु लहू फीहा अजर, कि आदमी अपनी शहवत को पूरी करे तो क्या उसमें भी उसको सवाब मिलेगा। आपने फरमाया कि तुम मुझे बताओ अगर वो ये शहवत को पूरा हराम तरीके से करता तो वो ना होता उसको या ना होता। साहबा ने कलाम ने कहा कि हाँ होता। तो फरमाया कि इसी तरह का जब वो उसने हलाल तरीके से इस अमल को किया तो उसके अंदर उसको सवाब हो। अब देखिए दीन को अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आसान दीन छोड़ गए, कैसे आसान दीन दे गए। जब ये कहा जाता है कि सुन्नत पर अमल करो, उससे मुराद भी तालीमात होती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तालीमात दे रखी हैं, इन पर अमल करो। अब बताइए कितने अमल ऐसे हैं कि इनमें से किसी अमल में, देखिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़ना इनमें कोई वक्त होता। अच्छा ये भी पाबंदी नहीं कि बैठ कर पढ़ो, ये भी पाबंदी नहीं कि बावजू होकर पढ़ो, ये भी पाबंदी नहीं कि हालत जनाबत में ना हो, ये भी पाबंदी नहीं कि तिमले की तरफ मुकर के पढ़ो, नहीं, जिस हालत में हो पढ़ लो, चलते फिरते उठते बैठते आप काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते चले, किसी गिनती के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दुरूद शरीफ, इतनी नेकियां जमा होती चली जाएंगी। अब देखिए ना पैसा पैसे का खर्च है, ना वक्त का खर्च है, ना मेहनत का खर्च है। तो अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं, अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो इस रास्ते से जन्नत में पहुंच सकता है। किसी के पास ताकत नहीं है, बड़ी ये बात है क्योंकि जिहाद की उसके अंदर ताकत नहीं है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की, तबलीग में निकलने की उसके पास ताकत नहीं है, इल्म दीन में अपनी जिंदगी लगाने का मौका उसको नहीं है, एक ताजिर है, मुलाजिम है, मजदूर है, वो ये काम करे, इसी रास्ते से विलायत हासिल कर लेगा, इस रास्ते से अल्लाह का वली बन जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, जन्नत में दर्जात उसके बढ़ते चले जाएंगे। हमारे मुर्शिद हज़रत डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आ रही थी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया करते थे मियाँ अल्लाह मियाँ की इबादत करने के लिए वक्त का इंतजार मत किया करो, मैं फला वक्त ये काम करेंगे फला, चलते फिरते उठते बैठते अपने अल्लाह मियाँ से चुपके चुपके बातें किया करो, ये फरमाया, चलते फिरते उठते बैठते अपने अल्लाह मियाँ से चुपके चुपके बातें किया करो। वो चुपके चुपके बातें यही है, कभी सुभान अल्लाह कह दिया, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, कभी अल्लाह अकबर कह दिया, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, कभी अस्तग़फिरुल्लाह कह दिया, कभी औज़ु बिल्लाह कह दिया, और कभी इस्तिग़फ़ार कर ली, वो कुरान शरीफ याद है तो कुरान शरीफ की कोई सूरत है वो पढ़ ली, कुरान शरीफ के तो एक एक हर्फ पर दस दस रिंकियां मिलती हैं, कुरान शरीफ के पढ़ने में सिर्फ एक पाबंदी है कि हालत जनाबत में कुरान नहीं पढ़ सकते और छू भी नहीं सकते, लेकिन हालत जनाबत न हो तो बगैर वजू के पढ़ सकते हैं, छू नहीं सकते, और कुरान के अलावा बाकी तमाम जिक्र जो हैं उनमें कोई भी पाबंदी नहीं, हालत जनाबत में भी पढ़ सकते हैं, हर जिक्र किया जा सकता है कुरान के अलावा। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना आसान कर रखा है अपने कुर्ब को हासिल करने का तरीका। चीजें जो हैं रिवायत की हजरत अबू जर्र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने, ये खुद फकर और फकर की जिंदगी पसंद करते थे। इनका हाल ये था कि अपने पास पैसे जमा करके नहीं रखते, बस जो कुछ आया खाया पिया खत्म हुआ, जो कुछ बाकी बचा सब अल्लाह के रास्ते थे। गुलाम जो था इनका, जो खुद खाते थे वो गुलाम को खिलाते थे, जैसा कपड़ा खुद पहनते थे वैसे कपड़ा अपने गुलाम को पहनाते थे, और पैसा बचा के नहीं रखते थे।
कल के वास्ते बचा के नहीं रखते, बस जो कुछ आया खत्म किया। तो फकीराना जिंदगी थी, उनकी रिवायत करदा हदीसें हैं। एक और हदीस है, फरमाते हैं अबू जर्र गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मुझसे फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला तहकिरन्ना मिन अलमारूफ शैअन वलो अन तल्का अखाका बिवजहिन तलीक। फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी भी नेक काम को हकीर ना समझना, किसी भी नेक काम को हकीर ना समझना और हकीर समझ के ना छोड़ देना कि मैं छोटा काम है बड़ा काम करेंगे। जो शख्स ऐसी बात करता है ना, छोटे छोटे कामों को छोड़ता रहता है बड़ा काम करेंगे, पर ऐसे लोगों का आमतौर से होता ही है कि बड़े काम की भी तौफीक मुश्किल ही से होती है। बड़े कामों की तौफीक भी अल्लाह के बदलो करम से उन्हीं लोगों को होती है जो छोटे छोटे कामों की कदर करते हैं और हकीर से मतकर नहीं छोड़ते। तो फरमाया कि किसी भी नेक काम को हकीर मत समझो बल्कि करो। क्या खबर है, यही काम आखिरत में तुम्हारी जान बख्शी का जरिया बन जाए। चुनाचे फरमाया कि किसी बात किसी काम को हकीर समझ कर न छोड़ो, वलो अन तल्का अखाक बिवजहिन तलीक। अगरचे वो नेक काम सिर्फ यही हो कि तुम अपने किसी भाई से यानी मुसलमान से मिलो खंदा पेशानी के साथ। क्या मतलब कि किसी से खंदा पेशानी के साथ मिलना ये भी एक नेकी है, ये भी सवाब का काम है। इस सवाब के काम को भी हकीर समझ करना छोड़ो। बाद लोगों की आदत होती है कि उनको कभी मुस्कुराती नहीं आती, कभी मुस्कुराते ही नहीं देखा, हर वक्त चेहरे पर चेहरा अबूस रहता है, तो माथे पर चिकने पड़ी रहती, दूसरों को दूसरे देख देख कर डरते रहते कि पता नहीं गुस्सा होगा, पता नहीं कब डांट देंगे, कब नाराज हो जाएंगे। तो बाद लोगों को यह आदत पड़ जाती है किसी बीमारी की वजह से, बेचारे हर वक्त तकलीफ में रहते हैं, इनकबाज में रहते हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। बाद लोगों को ये आदत पड़ जाती है ज्यादा मसरूफियत में रहने की वजह से, तफक्कुरात के कामों में घिरे रहते हैं, परेशान से रहते हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। बाद लोगों को गम और तकलीफों गमों में रहने की वजह से, ज्यादा गमों के आने की वजह से ये कैफियत पैदा हो जाती है। गैर इख्तियारी तौर पर अगर ये हो जाए किसी मजबूरी से वो माफ है, लेकिन हर एक को तो ये मजबूरी नहीं होती। असल सुन्नत जो है वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, आपके आदत मुबारक जो सहाबा इकराम ने बयान किए मुख्तलिफ रिवायतों में। एक साहबी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मिला हूं और आपने मुस्कुराहट से मुझसे ना मुलाकात की, आपके चेहरे पर तबस्सुम होता था। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब सुन्नत है, बड़ी खास सुन्नत है। आप जिससे मिलते थे आपके चेहरे अनपर पर तबस्सुम होता था, इल्ला ये कि कभी कोई किसी बात पर नाफरमानी देखी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तो नागवारी के आसार चेहरे पर जाहिर हो जाते थे, लेकिन घर में दाखिल होते तो आपके चेहरे अनवर पर तबस्सुम होता था, मुस्कुराहट होती थी। किसी से बात करते थे मुस्कुराहट होती थी, कोई मिलता था मुस्कुराहट होती थी, मुसाफा करते थे मुस्कुराहट होती थी। इसकी आदत डालनी चाहिए, ये ऐसी बेहतरीन सुन्नत है। अगर कोई अल्लाह ताला किसी को ये दौलत भी दे दे, उसको अपनी दुनिया की जिंदगी में इतनी आसानियां मुयस्सर आएंगी कि उसका तसव्वुर करना मुश्किल है। ये ऐसी बड़ी दौलत है, सवाब तो जबरदस्त है ही कि जिससे आप खंदा पेशानी से मिलेंगे उसके दिल में ठंडक पड़ जाएगी, तो आपका सवाब मिलेगा, वो आपसे खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये आदत जारी रखेंगे तो दुनिया आपकी आपसे मोहब्बत करेगी, हर एक आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा और आपके साथ ताबुन की कोशिश करेगा। आप एक बात बगैर मुस्कुराहट करके कर लीजिए किसी से और वही बात मुस्कुरा कर लीजिए, आप इसका तजर्बा करके देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क होगा आपकी तासीर में। जो बात आपने मुस्कुरा कर किसी से की है तो उसका असर कुछ और होगा,
मुस्कुराए बगैर अगर आपने किसी से कोई बात की तो उसका खराब शौर हो। आप करके देखें, ताजिर अपने ग्राहक से ये काम करके देखे, अफसर अपने मातहत के साथ ये काम करके देखे, मातहत अपने अफसर के साथ करके देखे, शागिर्द उस्ताद के साथ, उस्ताद शागिर्द के